नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिसकी नींद सुबह 3 से 4 बजे के बीच खुलती है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताएंगे जिन लोगों की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है और उनका इस जीवन में क्या महत्व होता है। दोस्तों, आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी इंट्यूशन काफ़ी मजबूत होती है। आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है इसके बारे में उन्हें पहले ही अंदाज़ा हो जाता है। ये लोग दिखने में बेहद सामान्य होते हैं, लेकिन इनके भीतर सामान्य जैसा कुछ भी नहीं होता। इनकी आदतें, इनके साथ होने वाली घटनाएं और इनका व्यवहार इन्हें अन्य किसी भी भिन्न और बेहद खास बनाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों के भीतर ऐसी खासियत होती है वे आध्यात्मिक रूप से गिफ्टेड होते हैं। उन्हें स्वयं दैवीय शक्तियों द्वारा एक खास तोहफे से नवाजा गया होता है, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, बशर्ते उसका प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाए। दोस्तों, यह भी माना जाता है यह खूबी और तोहफा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। अगर आप किसी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति है तो यह संभव है कि उससे पहले यह शक्ति उसके परिवार में किसी के पास रही हो जो अब उसे प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत होता है या जिसे स्वयं दैवीय शक्तियों से तोहफा प्राप्त होता है, उसे कुछ ऐसी सेंसेशन होती है जिसका संबंध इस दुनिया से नहीं होता है। उनका अचानक से आध्यात्मिक दुनिया के साथ रिश्ता कायम हो जाता है। वे किसी भी समय आगे और पीछे के समय को देख सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद ही अपनी इस खूबी के विषय में परिचित नहीं होता है। वे अपने साथ होने वाली इन घटनाओं को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं और अक्सर इनके घटित होने के पीछे का कारण जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो मित्रों, आइए अब आपको बताते हैं कुछ खास संकेतों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 है अजीबोगरीब सपनों का नजर आना। क्या आपको भी अक्सर अपने सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों को याद कर पाने में सफल रहते हैं? क्या आपको कोई एक सपना अक्सर आता है? अगर आप इन 3 सवालों के जवाब हाँ में देते हैं तो संभव है कि उनका आपके वास्तविक जीवन में कोई बड़ा संबंध हो सकता है। आपको बता दें, अगर कोई दैवीय शक्ति आपसे संपर्क कायम करना चाहती है तो उसके लिए वह सपनों का माध्यम ही चुनती है। सपनों का संबंध स्पिरिट वर्ल्ड से होता है। अगर आपको कोई एक सपना एक बार नजर आता है या सपने में किसी अपने के साथ आपको कुछ अच्छा या बुरा होता दिखाई देता है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। संभव शक्तियाँ आपको कोई संदेश देना चाहती हैं। यह एक स्पेशली गिफ्टेड व्यक्ति की पहचान है। और मित्रों, नंबर 2 है ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद अक्सर खुलती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय से 90 मिनट पहले की अवधि को बेहद खास माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि इस समय दैवीय शक्तियों का भौतिक जीवन में प्रवेश होता है। दिन के इस समय वे मनुष्य के साथ संपर्क करने का भी प्रयास करती हैं। अगर आपकी नींद बिना किसी बात से ब्रह्म मुहूर्त की अवधि में खुलती है तो आपको यह समझना चाहिए कि शक्तियाँ आपको कुछ कहना चाहती हैं। आपको उनके इशारों को, उनके संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। और मित्रों, नंबर 3 है अज्ञा
चक्र पर दबाव पड़ना। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें सबसे ऊपरी स्थान अज्ञा चक्र का है। इसे तीसरी आँख से भी जोड़कर देखा जाता है, माना जाता है। जैसा व्यक्ति का अज्ञा चक्र जागृत होता है, उसके भूत, भविष्य और वर्तमान सब समान हो जाते हैं। वह एक स्थान पर बैठे हुए इन सभी का आंकलन कर सकता है, इन सभी के विषय में जान सकता है। आध्यात्मिक लोगों का यह मानना है कि अज्ञा चक्र का जागृत होना सामान्य नहीं है। बहुत से लोग जीवन भर इसके जागरण के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपके माथे के बीचों बीच अज्ञा चक्र का स्थान एक दबाव महसूस होता है, तो हो सकता है आप बिना प्रयास के ही आध्यात्मिक दुनिया में आगे निकल गए हैं। बहुत हद तक यहाँ पूर्व जन्मों पर भी आराधित होता है।